अल्टीमेट कुकिंग में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ऑमलेट। घबराइए नहीं, मैं अंडे का ऑमलेट नहीं बताने जा रही हूँ, मैं आपको वेज ऑमलेट बिना अंडे के बता रही हूँ, जो बिल्कुल आप बिल्कुल मार्केट स्टाइल का बनकर तैयार होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या क्या इंग्रीडियंट्स हमने उसके लिए लिए हैं। उसके लिए लिया है मैंने 1 कप बेसन और ये 1/3 कप मैदा, मतलब जितना हमने बेसन लिया उसका 1/3 मैदा लिया है। और ये कुछ वेजिटेबल्स, एक ऑनियन काट लिया है मैंने बारीक बारीक, और एक बारीक बारीक टमाटर काट लिया है, 2-3 हरी मिर्ची और थोड़ा सा हरा धनिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ऑमलेट को बनाना। इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें मैं डालूंगी पहले 1 कप बेसन। बेसन मैंने नॉर्मल वाला लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक बेसन नहीं लिया है। और ये 1/3 कप मैदा। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 चम्मच नमक डालूंगी और 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। याद रखिए कि आपको इसमें बेकिंग पाउडर ही डालना है, और जितनी क्वांटिटी मैंने बेसन और मैदे की बताई है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बेकिंग पाउडर बता रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप बेकिंग पाउडर की जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज कर दीजिए। अब पहले इन सारी चीज़ों को मैं ड्राई मिक्स कर लूँगी, और अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका बिल्कुल पतला बैटर हमें तैयार करना है। पहले आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, और फिर आप इसका बिल्कुल पतला सा बैटर बनाएं, गाढ़ा बैटर बिल्कुल नहीं बनाना है। जैसा कि हम चीले का बैटर बनाते हैं वैसा बैटर नहीं बनाना है हमें, हमें बिल्कुल एकदम वाटरिंग टाइप का बैटर बनाना है इसका। देखिए मैंने करीब इसमें 2.5 कप के करीब पानी डाला है और इसकी बिल्कुल वाटर फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है। हमें बिल्कुल ऐसा ही बैटर तैयार करना है, गाढ़ा बैटर बिल्कुल भी नहीं तैयार करना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब आप सब्जियों को चाहे तो इसके अंदर भी डाल सकते हैं, अदरवाइज ऊपर से टॉपिंग की तरह भी लगा सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ हरी मिर्ची और हरा धनिया ऐड कर दूंगी, बाकी की सब्जियां मैं ऊपर से ऐड करूंगी। इसमें कुछ हरा धनिया मैंने डाल दिया है और इसको भी मिक्स कर लेती हूँ। देखिए मैंने एक पैन को गैस पर रख लिया है और इसमें मैं डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच। और आप अगर पसंद करते हैं तो आप बटर सिम में भी इसको बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने ऑयल को फैला लिया है। गैस का फ्लेम आपको लो टू मीडियम रखना है और आप इसमें 1 से 2 लेडल बैटर डाल दीजिए, और इसे आपको चमचे से नहीं फैलाना है, इसे बस इस तरीके से थोड़ा सा फैला लीजिए चारों तरफ। देखिए मैंने इस तरीके से इसको घुमा लिया है और ये पूरा इस पर फैल चुका है। देखिए आप देख सकते हैं ऑमलेट पर कितने अच्छे बबल्स आने शुरू हो गए हैं। आप इसे बस गैस का फ्लेम मीडियम रखिए, थोड़ा अच्छे से सिक जाने दीजिए, और अगर आप पसंद करते हैं तो प्लेन भी रख सकते हैं, और अगर पसंद करते हैं तो इस पर थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, थोड़े से कटे हुए ऑनियंस और थोड़े से टमाटर डाल दीजिए। देखिए हमारा ऑमलेट एक साइड से लगभग सिक चुका है, और अब आप इसे टर्न कर लें। देखिए कितना अच्छा ऑमलेट सिका है हमारा। दूसरी साइड से भी आप इसे सिक जाने दीजिए, चाहे तो साइड से थोड़ा सा घी या ऑयल डाल सकते हैं आप। देखिए हमारा ऑमलेट दूसरी तरफ से भी सिक चुका है, आप इसे टर्न कर लें। देखिए दोनों तरफ से सिक कर तैयार है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर इसका आया हुआ है। बस अब आप इसे निकाल लें। देखिए अब मैं इसे कट करके सर्व कर लेती हूँ। देखिए आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट एकदम फ्लफी ऑमलेट हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, और अपना अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप भी बनाइए बिना अंडे का ऑमलेट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।